वेलकम कोमल दीप के घर। वेलकम, पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। वेलकम वेलकम कोमल दीप के घर। वेलकम, मम्मा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक। जी फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कपड़े धोए हैं और अभी मैं फारिग हो गई हूँ, लेकिन बारिश लग गई है और मौसम भी इतना वो हो गया। मैं समझी सुबह धूप देख के मैंने कहा चलो मशीन लगा लेती हूँ और जल्दी से धूप भी लग जाएगी। अब ये मशीन भी अब ख़राब हो गई है, कपड़े मैं ड्रेन नहीं कर सकी। और आयजा ये सफाइयाँ कर रही है, सफाइयाँ कर रही हैं कि सफाइयाँ बढ़ा रही हैं मेरे लिए। अच्छा बेटा ये नहीं मारो, वाइपर लगाओ, अगर आपको बहुत शौक है ना लगाने का वाइपर लगाओ। तो अब मैं इन कपड़ों को ना कहीं डालती हूँ। ये कपड़े मैंने डाल दिए हैं इधर, क्योंकि अब देखें ऊपर तो बारिश लगी हुई है, तो मैंने सारे इधर ही डाल दिए कि सूख जाए। अब ऊपर बारिश लगी हुई है, तो ऐसे मौसम में कपड़े धो लो तो फिर 3-4 दिन तो समझ लो कि कपड़े बाहर ही रहेंगे। अगर निकल आई धूप तो कल मैं फिर धूप भी लगवा लूँगी। अब मैं किचन में चलती हूँ, खाने का कुछ करते हैं। ये लो ले जाओ टूथपेस्ट, एंड मैंने ये निकाला है केनन्स के चिकन चंक्स। आज मैं ये सोच रही हूँ इसमें ना नहीं इन्होंने चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स बना के इन्होंने डन किए होते हैं कि मसाला डाल के बंदा डाल लेता है बीच में। अगर फ्राई करके खाना चाहिए फ्राई भी खा सकते हैं। मैं टमाटर निकाल लें, थोड़ा सा मसाला बनाऊँगी और फिर इनको आपको दिखाती हूँ ये कैसे हैं। फ्रेंड्स मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ और ये मैंने मसाले डाले हैं सारे, नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला थोड़ा सा सूखा धनिया और साथ ही मैंने नेशनल वालों का लहसुन पाउडर है ये थोड़ा सा मैं डालूँगी। अभी टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, तो अब ये प्याज जब हो जाएगा तो मैं इसको भी साथ ही ग्राइंड कर लूँगी, इससे ज़रा मसाला ग्रेवी ज़रा अच्छी बन जाती है। आज कपड़े धोए थे तो सारी बात है कपड़े धो के बंदा सुबह की मैंने मशीन लगाई हुई थी तो थक जाता है बंदा। तो जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ कोशिश करती हूँ कोई ईजी काम हो जाए कि खाना भी तैयार हो जाए और थोड़ी रेस्ट भी हो जाए। रेस्ट तो बस कहने को ही मिलती है, औरतें तो बस सारा दिन किचन में और आगे पीछे कामों में ही मसरूफ रहती हैं। सबकी छुट्टियाँ हैं लेकिन हमारी छुट्टी कोई नहीं है जी जालमो। ये फ्रेंड मैंने इसमें से प्याज सारा निकाल दिया, तो मैंने टमाटर ग्राइंड किए थे साथ में अब इसको भी ग्राइंड करने लगी हूँ। जी मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया, तो अब ये जो चिकन है वो और इसको ज़रा फ्राई करूँ, ज़रा तेज आंच के ऊपर ना फ्राई करूँ, थोड़ा सा ब्राउन करूँ। ये देखिए काफ़ी हद तक ये ब्राउन हो गए, अब मैं इसमें ना ये लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डालूंगा।
अब ये मसालों की बारी आ गई थी। मसाला डाल दिया और ये मैं जो ग्राइंड किया था मसाला सारा मैं चिकन तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको फ्राई करते हुए वो गल जाता है, बस अब तेज़ आंच पे इसको अच्छे तरीके से मसाला फ्राई करना है। जी जनाब ये देखें चिकन चंक्स तैयार हो गए हैं और साथ ये पकोड़े हैं। अब मैं साथ इसमें थोड़ा सा चटनी डाल के इसका रायता बनाती हूँ। भाई बेटा इधर आओ, ये ले जाओ खाना।